गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट टू अगर आपने देखी हो तो बताने की जरूरत नहीं है कि फैजल खान कौन है। लोगों का दावा है कि फिल्म में फहीम खान के किरदार को फैजल खान नाम से नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने निभाया था। फहीम पर अब तक सैकड़ों मर्डर के आरोप लग चुके हैं। फिलहाल वो जमशेदपुर जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। सोमवार को फहीम पुलिस की कड़ी सुरक्षा में बीच एक दिन पैरोल पर धनबाद पहुंचा था। इस दौरान उसके हाथ मिलाने के लिए समर्थकों के बीच होड़ सी मच गई। बताते चले कि वासीपुर में 80 के दशक की साबिर गुट और फहीम गुट के बीच खूनी जंग चल रही थी। फहीम खान वासीपुर का कुख्यात डॉन है। इसे यहाँ का सरगना कहा जाता है। इस पर सैकड़ों हत्याओं का आरोप है। कोयला खदानों में वासीपुर के कई मजदूर काम करते हैं, जिस पर फहीम खान राज करता है। फहीम खान की अदावत यहाँ के शक्तिशाली माने जाने वाले घराने सिंह मैनसन और रघुकुल से भी है। फहीम खान पर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के भी आरोप है। फहीम फिलहाल मर्डर के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। फहीम पर लूट, हत्या, अपहरण, बमबाजी, रंगदारी समेत कई अन्य मामले धनबाद के विभिन्न थानों में दर्ज है। फहीम खान का बेटा भी धनबाद के एक रेलवे ठेकेदार की हत्या मामले में जेल में बंद है। फहीम खान पर वासीपुर की एक कपड़ा व्यवसायी मोहम्मद वाहिद आलम उर्फ जावेद की हत्या का भी आरोप है। गैंगवार में मोहम्मद वाहिद और साबिर गुट पर मोहम्मद फहीम की माँ और उसकी मौसी की हत्या का आरोप था। वाहिद ने फहीम पर भी अटैक बोला था। गैंग स्वैप वासीपुर की एक बम कांड में वाहिद का हाथ उड़ चुका था। नेक्स्ट न्यूज के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ टू रिसीव न्यू अपडेट्स, रिव्यूज एंड न्यूज़।